Hello everyone, welcome back. In this video, we will learn about the difference between the function component and class component. So first of all, we have to create a file inside a component folder, which is already inside a source folder. So is component folder ke andar hum log ek bana lete hain, class demo.jsx aur dusra file create kar lete hain hum log component folder ke andar function demo.jsx. अब क्लास कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. तो उसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट. और सेम पैकेज हम लोग को यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेना है फंक्शन कंपोनेंट के अंदर में. अब क्लास बनाने के लिए सिंपल जो जावास्क्रिप्ट का क्लास हम लोग बनाते हैं उस तरह से क्लास एंड देन क्लास डेमो और एक्सटेंड करना होता है कंपोनेंट क्लास को. और यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस हम लोग को क्या करना है कि एक रेंडर फंक्शन यूज करना पड़ता है जो फंक्शन के अंदर हम लोग को यूज नहीं करना है, राइट. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी लिख लेते हैं फंक्शन and then function demo. So this is a plain JavaScript function. अब यहाँ पे class component और function component के अंदर में एक difference देखने को मिला कि class component के अंदर में हम लोगों को render function use करना होता है और function component के अंदर में कोई भी render function का use नहीं करना है, right? यहाँ पे direct हम लोग return कर देते हैं JSX element को. So return and then JSX element and write down here this is function component. And class के अंदर में भी हम लोग render function के अंदर return use करते हैं. और यहां पे भी हम लोग return कर देते हैं JSX element को. So this is our class component. अब नेक्स्ट काम जो हमारा बच गया वो है दोनों को एक्सपोर्ट कर देना है. सो एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट एंड देन कंपोनेंट नेम. सो दिस इज अ क्लास डेमो. लाइकवाइज इन फंक्शन आल्सो वी हैव टू एक्सपोर्ट द कंपोनेंट. सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन फंक्शन डेमो, राइट. अब हम इस दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं. तो रेंडर करने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग क्लास डेमो को रेंडर करते हैं सो क्लास कंपोनेंट. सो ऑटोमेटिकली इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम दिस फाइल, राइट. अगर आप नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट हियर इंपोर्ट एंड देन फंक्शन डेमो, राइट. और फंक्शन डेमो को यहाँ पे यूज कर लो. सो हियर इज आवर फंक्शन डेमो कंपोनेंट. अब यहाँ पे हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पे क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट दोनों आ गया. नाउ द सेकेंड डिफरेंस, वी कैन पास द प्रॉपर्टीज टू द क्लास कंपोनेंट एज वेल एज फंक्शन कंपोनेंट. सो हेयर इन क्लास कंपोनेंट इफ आई विल राइट हेयर द प्रॉपर्टीज लाइक यूजर नेम एंड यूजर नेम इज सपोज आई एम राइटिंग हेयर दैट सी एम Prasad. Likewise, here is I'm writing the uname, and this time uname is suppose is equal, right. So in class component we are using the properties name username, and in function component we are using the properties name uname. अब अगर हम चाहते हैं कि ये uname और username properties इस component के अंदर में use करें, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शन कंपोनेंट के अंदर में जो मैंने प्रॉपर्टीज पास किया है उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे. सो हाउ विल रिसीव द प्रॉपर्टीज इन द फंक्शन कंपोनेंट. सो राइट डाउन हियर द नेम वेयर यू विल रिसीव द प्रॉपर्टीज. सो जनरली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज का नाम ही देते हैं प्रॉप्स. अब ये प्रॉप्स देना है ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये आप अपने चॉइस से कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो. तो सपोज आप कंफ्यूज ना करो इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉप्स नहीं देता हूँ.
मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, सपोज यूजर, राइट। और इस यूजर को मैं यहाँ पे एक्सेस करके देखता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं कॉन्सोल लॉग और प्रिंट करते हैं यूज़र को और फिर चेक करते हैं कि यूज़र हमारा क्या डिस्प्ले करता है। सो हेयर वी हैव गॉट द यूज़र एज एन ईजी कोड, राइट। एंड फ्रॉम दिस यूज़र वी कैन एक्सेस द यू नेम। और अगर आप चाहते हो कि यू नेम को कैसे प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे देखो कि यू नेम इज़ अ प्रॉपर्टीज, राइट। एंड दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू द यूज़र ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए डॉट एंड देन यू नेम, राइट। तो अभी अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले करके चेक करो तो आपको मिल जाएगा इजी कोड, राइट। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ से पास किया था प्रॉपर्टीज यू नेम, उस यू नेम को हम लोगों ने यहाँ पे रिसीव कर लिया यूज़र नाम के ऑब्जेक्ट में, और उस यूज़र के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसका यू नेम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लिया। अब क्लास कंपोनेंट के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग पास करते हैं प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर रिसीव होता है, और जो रिसीव होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉप्स नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर रिसीव होता है। अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कीवर्ड और समझना पड़ेगा, और वो कीवर्ड है दिस। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें दिस कीवर्ड मिला होगा, राइट। एंड दिस कीवर्ड इज़ actually an object of the current class, right? So this is the default object of every class. जब कभी भी हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और वो ऑब्जेक्ट है दिस। तो जितना भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग इस क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे, वो सारे प्रॉपर्टीज़ बाई डिफॉल्ट दिस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप दिस को एक्सेस करना चाहते हो कि दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्सोल करके चेक कर सकते हो कि कॉन्सोल लॉग एंड प्रिंट दिस, राइट। तो यहाँ पे देखो कि अभी जो दिस है वो रिप्रेजेंट करता है क्लास डेमो को, और क्लास डेमो के अंदर में हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टीज मिल रहा है यूजर नेम, राइट। और ये यूजर नेम कहाँ से आ रहा है, तो हम लोगों ने यूज किया था यहाँ पे क्लास डेमो के साथ यूजर नेम, एंड दिस यूजर नेम इज द प्रॉपर्टीज व्हिच इज रिसीव्ड इन अ क्लास डेमो, राइट। और यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर्टीज आया था वो प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट अटैच हो गया है किसके साथ, दिस के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि दिस के साथ हमारा क्या अटैच है, प्रॉप्स, राइट। सो प्रॉप्स इज द डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट व्हिच इज ऑटोमेटिकली अटैच विद दिस कीवर्ड, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि इस प्रॉप्स को प्रिंट करके चेक करें कि प्रॉप्स हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, तो दिस डॉट प्रॉप्स, इसको हम लोग क्लियर करते हैं और फिर से लोड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि हम लोग को मिल रहा है यूजर नेम, राइट। और प्रॉप्स अभी हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, यूजर नेम, और यूजर नेम के अंदर में क्या है, सी एम प्रसाद। तो अगर आप चाहते हो कि इस यूजर नेम को हम एक्सेस करें, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ करके दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर नेम। अब यहाँ पे केस देख लो कि हमारा अपर केस था यूजर नेम का एन, तो अभी हम लोग डिस्प्ले करते हैं और इसको क्लियर करते हैं, फिर रीलोड करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा यूजर नेम आ रहा है कि नहीं, राइट। सो वी हैव गॉट द सी एम प्रसाद एज ए यूजर नेम। सो अब हम लोग समझ गए कि फंक्शन कंपोनेंट के अंदर में जब हम लोग कोई भी प्रॉपर्टीज पास करते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे नेम दे सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यूज़र ही दो, आप यहाँ पे प्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रॉप्स देने से प्रॉब्लम क्या है कि आप कंफ्यूज कर जाओगे कि क्लास कंपोनेंट के अंदर में जो डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स है वही है या कोई और है। इसलिए मैंने जानबूझ करके यहाँ पे दूसरा नाम यूज़ किया है प्रॉप्स के जगह पर यूज़र। आप प्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हो। So this is the way how we are passing the properties in a class component and function component. Now class is called the stateful component because the class maintains its internal state, whereas the function is called the stateless component because the function does not maintain its internal state. Ab state kya hota hai usko samajhne ke liye hum log yahan pe chalte hain pehle console ke upar, इसको क्लियर करते हैं और फिर से हम लोग
यहाँ पे आ जाते हैं रीलोड के ऊपर, राइट। सो वी आर गेटिंग हियर द इंफॉर्मेशन। अभी एरर को छोड़ दो, ये जो हमारा एरर है वो किसी और कारण से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करता हूँ फिर से दिस को, तो दिस का रिजल्ट आप यहाँ पे चेक करो तो आपको मिलेगा एक प्रॉप्स और दूसरा मिलेगा आपको स्टेट। तो अभी हमारे पास जो क्लास कंपोनेंट है उसके अंदर में कोई भी इंटरनल स्टेट नहीं है, इसीलिए स्टेट हमारा भी नल आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका कुछ इंटरनल स्टेट को मेंटेन रखना है तो हम यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो दिस, दिस आपको पता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होगा वो दिस हमारा ऑब्जेक्ट है, उस दिस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होगा। सो दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग कोई भी प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं नेम, और प्रॉपर्टीज नेम इज सपोज emp नेम, एंड द emp नेम इज सपोज sn sahai, देन सेव इट एंड सी द आउटपुट। सो वी आर लोडिंग एंड हेयर वी विल गेट द स्टेट एज sn sahai एज द एम्प्लॉय नेम, राइट। सो इट मेंटेन्स द इंटरनल स्टेट बट द फंक्शन कंपोनेंट डिज नॉट मेंटेन एनी इंटरनल स्टेट। So this is the basic difference between the class component and function component.